हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। तो गाइस, आज के वीडियो में आपको वो बच्चा तो दिखाने वाला हूँ कि वो बच्चा का ग्रोथ कैसा हो रहा है। और तो गाइस, अभी आप देख सकते हैं ये बच्चा तो यहाँ पर देखिए बंद है और ची ची जैसा आवाज़ निकाल रहा है। ध्यान से सुनिए तो आपको भी आवाज़ सुनाई देगा। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं काला कपड़ा क्यों ढक के रखे है और ये लाइट का मतलब तो आपको बता दिए, लेकिन फिर से एक बार और फिर से बता दे रहा, ये लाइट हमारे कबूतर को गर्मी देने के लिए है, क्योंकि ये लाइट बहुत ही अच्छा देता है। ये यूवी रे बोलता है इसको, यही इससे हमारे कबूतर को अच्छा गर्मी पहुंचता है। तो गाइस, आपको ये बता देते हैं कि ये कपड़ा का इसमें काम क्या है। तो देखिए, अभी बच्चा बहुत ही ज़्यादा भूखा है और बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहा है। तो गाइस, पहले बता देते हैं कपड़ा का काम क्या है। तो गाइस, ये कपड़ा आपको पिंजरे के ऊपर ढक के रखना होगा। अगर आपको अगर हैंड रेन पिजन करना है तो ये कपड़ा को आपको ढक के रखना होगा, क्योंकि ये कपड़ा ढक कर ही रखिएगा तो आपको ज़्यादा जल्दी से आपको कबूतर का बच्चा जो है आपको चिन्हेगा, क्योंकि घर में बहुत सारे लोग रहते हैं तो उन सभी को देखने से वो समझ नहीं पाएगा कौन क्या, कौन मेरे को क्या खिलाता है, कौन क्या करता है, कुछ नहीं समझ पाएगा। तो ये कपड़ा ढकने से वो बच्चा, जब भी आप ये कपड़े तो खोलेगा तो बच्चा आपको ही शक्ल देखेगा, तो इससे आपको क्या फायदा मिलेगा, क्योंकि वो बच्चा आपको भूलेगा नहीं, आपको याद रहेगा हाँ यही है जो मेरे को खाना देता है। तो यही याद आपको जब भी बच्चा बड़ा होगा तो काम में आएगा, क्योंकि ये करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि घर के और अलग अलग मेंबर को देखेंगे तो बच्चा सही से नहीं समझ पाएगा कि कौन मेरे को खाना देता है, कौन क्या करता है, सबको देखेंगे तो भूल जाएंगे। बस जब खाना दे देगा तो क्या होगा, आप उसको खाना दीजिए तो चोच करके खाली बस खाएगा, लेकिन आपको पहचानेगा नहीं, क्योंकि घर के सबको लोग को पहचान रहा है। तो ये करना जरूरी है। तो गाइस, आपको आज दिखाएंगे इस वीडियो में कि कबूतर के बच्चे को खाना किस तरह से खिलाया जाता है और ताकि उसका ग्रोथ अच्छा हो। पहले हम अपने कबूतर के बच्चे को आपको दिखाते हैं कि मैं जो कबूतर का बच्चा जो हैंड ट्रेन कर रहा हूँ उसका कैसा ग्रोथ है, और तभी आप लोगों को विश्वास होगा कि मैं जिस तरह से आपको बताने वाला हूँ आपके 100% जो आप करने वाले हैं उस पर आपको जरूर से जरूर काम देगा। तो जल्दी से पहले अभी अपने कपड़े को हटाते हैं इसको, और देखिए ये देखिए कबूतर का बच्चा मेरे को देखते देखे कैसा रिएक्ट कर रहा, देख सकते हैं। और इस तरह का देखिए, आप इस तरह से करिए, आपको देखिए बच्चा किस तरह से रिएक्ट करेगा आप देख सकते हैं। वो समझ रहे कि खाना देने के लिए आ गया है। नहीं, देखिए 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 देखिए, पिंजरा के अंदर से ही चोंच बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, आप देख सकते हैं, देखिए हरकत देखिए। तो गाइस, आपको भी ऐसे करना है कि कपड़ा खोलते के साथ वो आपको फेस सामने से देख पाए, ताकि तभी वो समझ पाए कि हाँ यही है वो जो मेरे को हमेशा खाना देता है। तो ये देखिए कबूतर का बच्चा हरकत देखिए गाइस, इसका क्या कर रहा है, पिंजरा के अंदर से देखिए चोंच बाहर निकाल रहा है। तो चलिए इसको बाहर निकालते हैं और आपको इसका ग्रोथ दिखाते कैसा हुआ है। ये रहा वो बच्चा, तो ये देखिए गाइस ग्रोथ देखिए इसका। तो गाइस, आपको पहला वीडियो में आप देख ही होंगे इसका ग्रोथ कैसा है। और गाइस, मैं इसको बहुत ही छोटा मिलाए थे, जो पर आपको दिखाई दे रही पर एकदम नहीं था, जैसे डंडी निकल रहता है पर का वो था सिर्फ। अभी देख सकते इसका बदन में कितना सारा पर आ चुका है, इसका बदन में किस तरह से पर आ चुका है, पहले इतना भी नहीं था, पूरा डंडी था, अभी देख सकते किस तरह से पड़ा चुका है। देखिए बच्चा तो मेरे से खाना मांग रहा है, आप इस तरह से करिएगा तो इसको लगेगा कि हाँ ये मेरे को खाना दे रहा है। देखिए चोंच दुगा दे, खुद ब खुद दुगा देगा, देखिए आप से ऐसे करिए, देखिए खुद ब खुद दुगा देगा। तो चलिए आज का वीडियो में आपको बताएंगे कि कबूतर के बच्चे को खाना किस तरह से दिया जाता है। तो गाइस, आप देख सकते हैं जैसे कि बच्चा किस तरह से मुझसे खाना मांग रहा है, तो आपको एक सिग्नल इससे करना होगा ताकि बच्चा समझ पाए कि हाँ आप इसे खाना देने वाले हैं। तो आप इस तरह से इसको इशारा दे सकते हैं, जैसे कबूतर का बच्चा आप देख सकते हैं, उसका जब माँ बाप उसको जब खिलाने आता है तो पहले चोंच एडजस्ट करता है, तो बच्चा उसका चोंच अपना चोंच उसका माँ बाप के अंदर ढुका देता है। तो आप जैसे देख सकते हैं सुबह का समय हो रहा है, तो ये बच्चा बहुत ही ज्यादा भूखा है। तो गाइस, आपको तुरंत ही इसको खाना नहीं देना है, कुछ समय इतना ऐसे करना है, क्योंकि इतना छटपटाने के बाद ही आपको खाना देना है, क्योंकि आप अगर तुरंत इसको दीजिएगा तो क्या होगा, एक तरह का जो अट्रैक्शन होता है आपके पीछे जो लगाव रहेगा, एक जिद जैसा लगाव वो नहीं रहेगा, वो नॉर्मली बैठा रहेगा, आप जैसे उसका मुंह में खाना दे दीजिएगा वो खा लेगा। तो ऐसा नहीं करने का, थोड़ा सा इसके साथ ऐसा करिए ताकि इसको और ज्यादा भूख बढ़े और आपका आपके करीब और ये खींचा तना है, तो इस तरह से आपको करना है थोड़ा देर, उसके बाद आपको किस तरह से खाना देना। देखिए अभी देखिए इसको मैं अभी छोड़ दिए, अभी देखिए हरकत देखिएगा, इस मेरे को देख रहा है, सिर्फ मेरे को देख रहा है और किसी को नहीं देख रहा है, देख सकता है सिर्फ देखिए मेरे से ही खाना मांग रहा है। तो अभी मैं इतना करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा दाना दूंगा, और अभी देखिए किस तरह से हल्का से चोंच तो खोले, गेहूं तो इतना हल्का हल्का से देखिए हल्का हल्का से डाल रहे, देखिए खा रहा है, देखिए किस तरह से देखिए पूरा खा लिया, देखिए पूरा खा लिया, देख सकते थे तो आप देखिए अब इसका ज्यादा आप पहले से ज्यादा अभी थोड़ा ज्यादा करेगा, देखिए क्योंकि इतना कुछ करने के बाद हम इसको जब खाना दिए जिससे ज्यादा हो गया कि मैं ऐसे ही और ज्यादा करूंगा तो मुझे और ज्यादा खाना मिलेगा। तो आप देख सकते हैं गाइस ये बच्चा किस हद तक पूरा जिद जैसे उतर आया है मेरे से खाना मांगने के लिए।
तो मैं इसको थोड़ा सा भी फिर इस तरह से कर रहा हूँ, फिर इसको थोड़ा सा मैं खाना दूंगा, क्योंकि तभी ये समझेगा कि ज्यादा ये करने पर तभी मेरे को खाना मिलेगा, क्योंकि शांति से बचने पर नहीं मिलेगा। तो इस तरह से करने पर देखिए मैं इसको दे रहा हूँ। तो गाइस आपको पूरा एक मुट्ठी गेहूं, मतलब आपका मुट्ठी में जितना गेहूं अटता है, मैंने एक बच्चा के हिसाब से, मैंने आपको अगर कबूतर बच्चा इतना बड़ा है तो आपके मुट्ठी में जितना गेहूं अटता है उससे थोड़ा कम लेकर इसको पूरा खिला दीजिए। पानी नहीं दीजिएगा, सिर्फ इसको पहले दाना खिला के इसका पेट फुल करिएगा, उसके बाद आपको मैं दिखाते हैं। ऐसा एक कटोरी लीजिएगा, ऐसा कटोरी और ये एक ऐसा सीरिंज, आप इसे बड़ा भी ले सकते हैं, 5 ml का ले सकते हैं, मैं ये 3 ml का है, तो 5 ml का सीरिंज लेकर सामने में एक रबड़ टाइप का लगा लीजिए, ताकि आप और इसमें एक कप और आधा कप मैंने छोटा सा कप जो कॉफी वाला कप होता है उतना, और उसका आधा कप इसमें पानी भर के इसमें थोड़ा इसको गर्म कर लीजिए, इतना गर्म कर लीजिए कि एक बच्चा जो है उसको खा मैंने पी सके। आप हाथ से टच करके देखिए कि हाँ इसका पीने लायक है, तो ही आप इसको पूरा उतना पूरा पूरी पानी इसको पिला दें। और इसको फिर क्या करिएगा, ये जो आपको जो पिंजरा दिखाई दे रहा है, ये पिंजरा में रखकर इसको कपड़ा से ढक दीजिएगा, और इसी तरह से आपको करना है। और गैस आपको अगर आपके पास अगर समय है तो आप इसके साथ थोड़ा समय बिताइए, अपने पास रखिए थोड़ा, अगर नहीं है तो एक दिन का भी 1 घंटा या 2 घंटा आप इसको दिया करिए, तभी आपको समझेगा और आपके आप जो भी इसको सिखाइएगा आपको तुरंत ये सीख जाएगा, क्योंकि बिना समय का कुछ नहीं होगा। आप खाना दे के रख दीजिएगा तो कोई फायदा नहीं होने वाला इससे, तो आप इसको 1-2 घंटा दिन में जरूर समय दिया करें, और इसी तरह से कंटिन्यू रोज करें, और आपका देखिएगा आपका कबूतर का बच्चा आस्था से ट्रेन हो जाएगा, और कुछ भी सिखाइएगा वो सब आपके कबूतर का बच्चा सीख जाएगा। जब जैसा देख सकते हैं इस कबूतर के बच्चे को अभी मैं खाना खिलाया हूँ, लेकिन अभी पूरा फुल नहीं खिलाया, देख सकते इसका पेट कितना फुला हुआ है, अभी पूरा फुल इसको खिला दूंगा। अब देखिए किस तरह से मेरा आगे देखिए तान के आ गया, देखिए इसीलिए आपको भी इसे करना है, और अभी देख सकते इसका ग्रोथ कैसा हुआ है, तो आपको डे बाय डे का आपको वीडियो मिल जाएगा, तो आप लोग देखिएगा। तो गाइस अभी आप देखिए कि हम अपने कबूतर के बच्चे को किस तरह से खाना खिलाते हैं और किस तरह का प्रोसेस करते हैं, जिससे हमको पूरा अच्छी तरह से चिन चुका है। आप देख लिए कि ये बच्चा मेरे सामने किस तरह से हरकत कर रहा था, और मुझे ही देखकर मतलब सामने तरफ मेरा अभी इतना छोटा है या मेरे तरफ भागा चला रहा है, तो आप भी इस तरह का हरकत करिए, आपके साथ भी एक मतलब आपका कबूतर का बच्चा भी सही से ट्रेन होगा, कि ये ट्रेनिंग बच्चा से दिया जाता है, क्योंकि बच्चा से ही हर एक छोटा छोटा चीज आपके कबूतर को बड़ा होने के बाद उसका आपको उस चीज को दिखाई देने लगेगा कि हाँ मैं बचपन से जो मेहनत की उसके ऊपर वो चीज तो सही हो रहा है। तो ऐसे आप लोग इसी तरह से आप थोड़ा थोड़ा मेरा वीडियो देखिए और इसको फॉलो करिए, आपका भी रिजल्ट मिलेगा। तो गाइस आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा और हम जो ट्रेनिंग दे रहे हैं इस बच्चे को वो भी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, और हमारे इस वीडियो के एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर कर दीजिएगा ऐसे आने वाले वीडियो का सही अपडेट पाने के लिए। तो और भी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट किसी अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।